जीटीयू का ऑड सेमेस्टर के लिए, मतलब कि 1, 3, 5, 7 के लिए उनका एकेडमिक कैलेंडर आ चुका है। मतलब कि कब आपका एकेडमिक कैलेंडर स्टार्ट होगा, कब उसका एंड होगा, कब आपके वाइवा होगी, कब आपकी एग्जाम होगी, कब आपका रिजल्ट आएगा, कौन सा आपका दिवाली वैकेशन रहेगा, सभी जीटीयू के स्टूडेंट्स के लिए ये सर्कुलर आया है। तो ये वीडियो पूरा देखना, आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करना, और जीटीयू की लेटेस्ट अपडेट के लिए अपनी चैनल प्रिय सर विद्यापीठ को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको इंस्टेंट मिलती रहे। तो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका हार्दिक स्वागत है प्रिय सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो हम जीटीयू की जो सर्क्यूलर है उसमें देख रहे हैं कि 24 तारीख का ये सर्क्यूलर है ना। मैं यहाँ पे जो अपने मेन कोर्सेज है, जैसे कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पहले तो ओपन करता हूँ, तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में इन लोगों ने कौन सी डेट दी है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, थ्योरी एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम, चलो ऐसे उन लोगों ने सेक्शन बनाए हुए हैं। और मोस्ट प्रोबेबली यही डेट पे आपकी एग्जाम शुरू होती है, जैसे कि बी थर्ड सेमेस्टर शुरू होता है 15/7 से, मतलब एग्जाम खत्म होने पर तुरंत, और 7/12 को तो एंड डेट है ना, 8, 9, 10, 11, 12, 5 महीने अप्रोक्स यहाँ पर मिल रहे हैं। थ्योरी एग्जामिनेशन 9/12 और 19/12 से 7/1 तक आपकी चलने वाली है। बी फिफ्थ सेमेस्टर 22/7 से शुरू होगा, 25/10 को खत्म होगा, है ना, वो तो बहुत कम जल्दी ही खत्म हो रहा है। देखो फिफ्थ सेमेस्टर 8, 9 और 10, पता नहीं कैसे ये लोग सेटिंग करते हैं महीनों के। 20/11 को थ्योरी एग्जाम, 11/12 तक वो चलेगी, मतलब 11वें महीने में आपकी थ्योरी एग्जाम होगी, 12वें महीने में कंप्लीट होगी, और 12वें महीने के बाद आपके वाइवा चलेगे। बी सेवन सेमेस्टर 29/6 से चलेगे 25/10 तक, 19/11 को आपकी एग्जाम, 9/12 तक आपकी एग्जाम चलेगी, वाइवा की डेट 16/12 से लेकर के 10/1 तक है। सेम टू सेम मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग का देखू तो थर्ड सेम 27/6 से 25/10 तक है, आपकी एग्जाम 20/11 से 9/12 तक चलेगी। डिप्लोमा इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर 27/6 से 25/10 तक है। 19/11 से 7/12 तक थ्योरी एग्जाम, 10/12 से 27/12 तक आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है। डिप्लोमा में फिर मास्टर्स का बताया है, एमबीए का बताया है, एमफार्म, डीफार्म सबका इन लोगों ने यहाँ पे बताया है। अब थोड़ा हम नीचे चलते हैं, दिवाली वैकेशन की डेट्स आपकी कौन सी है, 27/10 से 16/11 तक है, लेकिन उतना बड़ा दिवाली वेकेशन आपको हर बार मिलता नहीं है, है ना, वो लोग आपकी कॉलेज डिसाइड करती है दिवाली वेकेशन, क्योंकि यहाँ पे लिखा होता है कि भाई 90 डेज से कम डेज रहते हैं टीचिंग के, तो भाई दिवाली वेकेशन में भी आपकी कॉलेज आपको एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुला सकती है। तो दिवाली वेकेशन भले 27/10 से 16/11 लिखा है, लेकिन वो तो आपकी कॉलेज आपको देगी कि भाई ये वीक में दिवाली वेकेशन है, ये वीक में है, ठीक है। द एकेडमिक कैलेंडर इंक्लूड द इंटर्नशिप प्रोग्राम, स्टूडेंट्स इंडक्शन प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, मतलब इसमें इंटर्नशिप प्रोग्राम और सब कुछ इसमें टाइम टेबल के अंदर ऐड हो गया है। तो जीटीयू का ये एक नया जो इनिशिएटिव है कि भाई एडवांस में एग्जाम शुरू है आपकी तो ईवन की, और आपको और सेमेस्टर का प्लानिंग दे दिया, टर्म डेट दे दी, थ्योरी डेट दे दी और प्रैक्टिकल, और मोस्ट प्रोबेबली इनको ही मायने रख के आपका सेमेस्टर चल रहा है लास्ट 1 साल से, तो है ना। तो जीटीयू के अंदर ये थोड़े थोड़े जो चेंज हो रहे हैं उससे अच्छा है कि आप एडवांस में प्लान बना सकते हो कि भाई इस महीने में आपकी एग्जाम आएगी, और एग्जाम डेट के आसपास ही आपकी एग्जाम ऑलवेज शुरू हो जाती है, तो इसके अकॉर्डिंग आप घूमने जाने का और वो भी प्लान बना सकते हो। तो ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं ऐसी कोई नई अपडेट के साथ, बाय, टेक केयर।